ये तो सभी जानते हैं कि करण जौहर ने हाल ही में अपने 58th बर्थडे की पार्टी दी है। आपको बता दें कि इस पार्टी में बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिस्ट शामिल हुए थे। कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज अपने घर वालों के साथ आए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आए, अपने कपल्स के साथ आए, लेकिन सलमान खान ने यानी कि भाईजान ने एंट्री ली एकदम सिंगल। आपको बता दें कि सलमान खान भले ही सिंगल इस पार्टी में एंट्र करे हों, लेकिन इस पार्टी में उनके सामने उनकी एक्स जरूर थी। जी हाँ, एक्स कैटरीना कैफ और एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय बच्चन। आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन और सलमान खान को सालों बाद किसी पार्टी में एक साथ देखा गया, एक छत के नीचे देखा गया, लेकिन इस पार्टी में एक ऐसा बड़ा धमाका हो गया जिसे जानने के बाद सभी हैरान हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच आज भी दूरियां बनी हुई हैं, तो वहीं सलमान खान और अभिषेक बच्चन के बीच ये दूरियां बिल्कुल नहीं है। इनसाइड सोर्सेज से खबरें सामने आई कि जहां पार्टी में ऐश्वर्या राय बच्चन बाकी सभी एक्टर्स के साथ बिजी रही, तो वहीं अभिषेक बच्चन ने जब सलमान खान को देखा तब वो उनसे गले मिले और उनके साथ डांस फ्लोर पर चले गए। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन इस दौरान भाईजान को साफ तौर पर इग्नोर करती नजर आई। इसे साबित हुआ कि सलमान खान को आज भी ऐश ने उनकी गलतियों के लिए माफ नहीं किया है। इतना ही नहीं, इस दौरान सलमान खान की एक और एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि कैटरीना कैफ अपने हस्बैंड विकी कौशल के साथ नजर आई। इस दौरान कैटरीना कैफ ने सलमान खान से थोड़ी बहुत बातचीत की, क्योंकि कैटरीना कैफ सलमान खान के साथ फिल्मों में भी काम करते हुए इस वक्त नजर आ रही हैं, तो वहीं विकी कौशल भी सलमान खान से काफी अच्छे से मिलते हुए नजर आए। वेल दोस्तों, सलमान खान ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और कई एक्स हस्बैंड वाइफ इस पार्टी में मौजूद रहे थे। वेल आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि ऐश्वर्या और सलमान खान के इस रिलेशनशिप पर आपका क्या कहना है, और आपको क्या लगता है कि वाकई इन दोनों की नफरत आज भी इन दोनों के बीच जिंदा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।